एक खूबसूरत सा तोहफा अपनी खूबसूरत बीवी के लिए। मेरी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपको रोज ऐसे तोहफे देने होंगे मुझे, वरना इन फूलों की तरह मेरी खूबसूरती भी मुरझा जाए। ऐसा कभी नहीं होगा सैंडो, मेरे जीते जी तो कभी ऐसा नहीं होगा। सानिया हिमाद, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बस अरबाज को इस दिल से खेलने मत देना। जिस दिन हकीकत खुलेगी ना, सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें ही होगा। माजूर बहन पर तुम इतना इतरा रहे हो, जाहिल गवार तुम्हारी तरह। अगर मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी ना, तो सारी जिंदगी उससे कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा अरबाज? क्यों? माजूर ही सही, लेकिन इंसान तो थी, उससे मेरे जज्बात जुड़े थे। अपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। नाराजगी को खत्म करने के लिए बात करना जरूरी है वकील साहिबा। आप सानिया बेटी से बात क्यों नहीं करती, उन्हें सच क्यों नहीं बताती? क्या बताऊं बुआ, क्या बात है, वो सच सुनने को तैयार भी है। आपने देखा नहीं किस तरह अपने शौहर की वकालत में माँ जैसे रिश्ते को किस तरह आसानी से कुर्बान कर दिया उसने। बुआ, क्या एक माँ चाह सकती है अपनी बेटी का बुरा? मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है सानिया को इस तरह टूटा हुआ देख कर। क्या सानिया सच को मानेगी, गवाही देगी अदालत में अम्माद के खिलाफ? अगर सानिया की जगह आप होती तो आप क्या करती? बात करना बहुत आसान होता, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है। जिस तरह मेरी बाकी बच्चियां मुझे अजीज हैं, इसी तरह सानिया भी मुझे अजीज है। मैं उसका बुरा कभी भी नहीं चाह सकती, लेकिन बुआ, अगर मैंने हमाद को माफ कर दिया तो मैं अपनी बच्चियों से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इंसाफ के कटहरे में कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी, गुनाहगारों को कभी सजा नहीं दिलवा पाऊंगी। एक सवाल मैं भी आपसे पूछती, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? आप बहुत बहादुर, और आप जितना हौसला मेरे अंदर नहीं। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो मर जाती।